स्वस्त श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। रेडियो रिश्ते के सज्जन से प्यारे श्रोताओं, प्रस्तुत की जा रही है साप्ताहिक श्री राम कथा। हर मंगलवार को 7 बजे से 8 बजे तक मैं पंडित राम कुमार सेवक आपके बीच में बैलेंस एवेन्यू पापाटोटोई ओकलैंड न्यूजीलैंड से इस कार्यक्रम को ले रहा हूं। मैं रेडियो रिश्ते के शिवन सिद्धांत लाल बेटे को साधुवाद दे रहा हूं। आपके तरफ से यह कार्यक्रम रेडियो रिश्ते के हर एक चैनल के माध्यम से देश विदेश में पहुंच रही है। आपका अभिवादन करते हुए आपके ऑपरेशंस मैनेजर हमारे बहुत ही प्यारे सेन शर्मा जी, आपको भी अभिवादन करता हूं। साथ साथ में मीडिया रिलेशंस मैनेजर माधवी पिल्ले जी, आपको भी और समस्त जितने भी हमारे आरजेज हैं, आरजे शिवालू, आरजे निम्र जी, आरजे जयंती जी, आरजे शाहरुख पठान जी, आप सभी को अभिवादन। और ओकलैंड एडमिन हमारे श्री प्रकाश सिंह जी को, श्रीमती प्रकाश सिंह जी को भी अभिवादन। आइए मनकाउ हाकोर्ट्स ओकलैंड न्यूजीलैंड के विनोद राणिगा जी, उनके तरफ से सपोर्ट जो मिल रही है उनको भी अभिवादन करते हैं प्रोग्राम में। और हमारे दो और बहुत ही बेहतरीन जो लोग हैं हमारे साथ में जुड़े हैं, ताबूसर हमारे श्री मिथिलेश प्रसाद जी और हमारे रूप क्रिएशंस के सुमित सतीश्वर जी, रिकॉर्डिंग इंजीनियर्स, आपको भी इस प्रोग्राम में शामिल करते हुए जितने भी हमारे बीच में जो जो भी श्रोता इस प्रोग्राम को अपने चैनल के माध्यम से शेयर कर रहे हैं, आप सबको भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हुआ चले मैं अपने पूज्य माता श्री के चरणों को वंदना करता हूँ। मैं अपने स्वर्गीय पिता श्री के चरणों को वंदना करता हुआ मैं अपने पूज्य गुरुवर को उनके चरणों में लाखों बार बारम्बार कोटिशों बार प्रणाम करता हुआ, जितने भी विद्वत साधु संत समाज ब्राह्मण पुरोहित जहाँ भी जिस देश में आप इस कार्यक्रम को सुन करके अपना आशीर्वाद जो दे रहे हैं उनका प्रतिफल है कि इतने दिनों से ये कार्यक्रम हमारे बीच में आपके बीच में मैं करता चला रहा हूँ। जितने भी हमारे साथ संगत हैं, वासुदेव भैया, कृतिक बेटे और हमारे ओकलैंड रामायण संस्था ट्रस्ट के जितने भी हमारे कलाकार हैं जो हमारे मंच की शोभा बढ़ाते हैं, उन सबको अभिवादन करता हुआ मैं चलूँ। आप सबसे निवेदन करें अपने अपने घरों में जहाँ बैठे हैं अपने परिवार के साथ में इस खास करके महामारी की जो हमारी देश विदेश में पीड़ा चल रही है उस पीड़ा को कम किया जाए। लोग त्री पर ओकलैंड आज भी हैं और आने वाले इतवार संडे तक ये लॉकडाउन हमारे लेवल 4 तक होगी। तो जो हमारे ओकलैंड के और न्यूजीलैंड के हमारे श्रोता वृंद हैं सबको सूचित करते हैं हम लोग कि आप अपना ध्यान रखिएगा और नियम को पालन करिएगा। और क्योंकि लेवल 2 पर हम संडे को जाएंगे और इसमें भी कई कानून हैं, कई रूल्स हैं, कई रेगुलेशंस हैं, आप उनको जरूर फॉलो करिएगा ताकि हम इस महामारी से बचें। यही प्रार्थना, यही कारण है हम प्रार्थना करेंगे, क्योंकि हम लोग पिछले बार भी कहे थे एक ही मार्ग है
अगर उस मार्ग को हम अपना लेंगे ना, प्रभु के चरणारविंद में जाएंगे। जब जब भी हमारे बीच में कोई आपातकाल आती है तो प्रभु के शरणागति में जाएंगे हम लोग, और यही एक रास्ता है। प्रभु अगर हम सबकी सम्मिलित पुकार सुन रहे तो परमात्मा दया कर लेंगे। हमारे सारे विश्व पर जो ये पेंडेमिक की बौछार चल रही है, लोग कम से कम शांति उनको मिले, यही मंगल कामना करते हुए चले अपने हाथों को जोड़ ले, हम अभिवादन करें परमात्मा के श्री चरणों को ध्यान करेंगे। वर्णनाम अर्थ संधानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदेमानि विनायको भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिनो यभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तास्तमीश्वरम् वंदे बोधमयम् नित्यं गुरुं शंकररूपिनं यमाश्रितो हि वक्रवापी चंद्राः सर्वत्र वन्दते सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्यम बिहारिनो वंदे विशुद्ध विज्ञान कवीश्वर कपीश्वर यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्रो तत्रो कृतमस्तकांजलि वाष्पवारु परिपूर्ण लोचनम मारुति नमत राक्षसकां माता राम मत पिता राम चंद्र स्वामी राम मत सखा राम चंद्र विरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथनं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचंद्रं शरणं प्रपद्ये मनोजवं मारुति तुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोध्या मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपदे। आई हनुमान जी विराजे सीताराम 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 राधेश्याम राधेश्याम
राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राजा राम सीता राम राजा राम सीता राम राजा राम सीता राम राजा राम सीता राम। श्री मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र भगवान के जय। आप लोगों को पिछले सप्ताह श्री अयोध्या कांड की इस पावन कथा में मैं आप सबसे वर्णन किया कि मां सीता प्रभु के चरणों को वंदना करती हुई अपने वन जाने के लिए बहुत बहुत यातना बहुत प्रार्थना अपने सासु मैया कौशल्या जी से और प्रभु जी से भी करी। मैं पिछले सप्ताह एक चौपाई आपके बीच में रखा था जो मैं इस सप्ताह के जो हमारे भक्तजन शायद नहीं कथा सुन पाए होंगे पिछले सप्ताह वाला, तो उनके लिए ये चौपाई विशेष रूप से मां सीता का एक निर्णय प्रभु राम के प्रति उसने कहा, मां ने कहा, जिया विनु नदी बीनु बारी तैसिया नाथ पुरुष बिनु नारी। और प्रभु को रिझाली इन शब्दों से प्राण शरीर से निकल जाए तो शरीर बेकार हो जाता है, पानी नदी में सूख जाए तो फिर नदी नदी नहीं रहती। ऐसे हे नाथ, नारी पुरुष के बिना अधूरी हो जाती। और सासू मैया ने तो फिर उनके प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, सब जानते हैं इस बात को, और उन्होंने आशीर्वाद दिया। और आशीर्वाद क्या दिया कि जब तक यमुना और गंगा जी में जल हो तब तक हे बेटे तेरा सौभाग्य तेरा सुहाग तब तक रहे। और ये प्रभु ने फिर आज्ञा करी, तैयारी कर लिया जाए मन को जाने के लिए। और समाचार भैया लक्ष्मण को मिलता है और दो चौपाइयों के गा करके हमने इस कथा को विराम पर लिया। बाबा जी का वर्णन हुआ था, समाचार जब लक्ष्मण पाए व्याकुल विलिखी बदन उठ धाए। सीधे भागते प्रभु के चरण में जाकर के पड़ जाते हैं, विचार में पड़ जाते हैं, हृदय में ये बात को सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं? सोच हृदय विधि कहां होनिहारा सब सुख सुकृति सिरान हमारा। क्या होगा भैया, क्या कहेंगे? मुझे अपने साथ ले चलेंगे या
यहीं छोड़ जाएंगे। बाबा जी का, गोस्वामी तुलसीदास जी का वर्णन आज की कथा में ये चौपाई, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, ओ मो कहाँ 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 पर गुना था, राख्यो भवन की नहीं है साथा, ओ राम बीलो की बंदूक करे जोरे, देह के सब सनातन तोरे। प्रभु राम जी का एक निर्णय हुआ और निर्णय इन्होंने लक्ष्मण जी के अनुरोध के बाद में, प्रभु राम अपने श्रीमुख से बोले, मैं बन जाऊं तुम्हें ले साथा, हाय हाय सब विधि अवधना था, मैं अगर आपको बन ले चलता हूं, हे भाई हे अनुज, तो सब विधि अनाथ हो जाएगी, अयोध्या अनाथ हो जाएगी, गुरु पितु मातु प्रजा परिवारो, गुरु पितु मात प्रजा परिवारो, सब कहां पर ही दुसा दुख भारो। बन जाने की जो आज्ञा है मुझे मिली है अनुज, भरत भी यहां नहीं है, शत्रुघ्न भी यहां नहीं है, बचे हो आप, और श्रुति पुराण शास्त्र कहती है गुरु पितु माता प्रजा एक परिवार की तरह होती है, और सबको बड़ा कठिन दुख होगा, बार बार लक्ष्मण जी प्रभु के चरणों में यही वंदना करते हुए, उतरऊं ना आवत प्रेम वश गए चरण कुलाए, नाथ दास में स्वामी तुम तजहूं तो कहां बस। यावर रामचंद्र भगवान के जय। लक्ष्मण जी वचन सुन करके ऐसे प्रेम के वश में हुए कि उत्तर नहीं आया, व्याकुल हो चरण पकड़ लिए प्रभु के और कहा कि हे नाथ, मैं तो आपका दास हूं और आप स्वामी हैं, मुझे त्याग करने मुझे त्याग करेगो तो मेरा क्या वश होगा, मेरा क्या हालत होगी, इस पर थोड़ा सा विचार कर लो प्रभु। प्रभु रीझ गए, जैसे मां सीता
कुव्याधा को सुन करके प्रभु रीझ गए करुणा सागर कृपा निधान। मां सीता की बात को मान लिया, अब आप बारी लक्ष्मण की है। तो प्रभु ने कहा मांगू बिदा मां तू सन जाई आवहू बेग चलाहू बन भाई। आप कल्पना कीजिएगा इस दृश्य को आप देखें, अपने हृदय की आंखों से देखें, आपकी मन की आंखों से देखें कि लक्ष्मण जो प्रभु के चरणों में पड़ा हुआ विनती कर रहा है, जब प्रभु के मुख से यह बात आई कि जाओ अनुज जल्दी से सुमित्रा मैया से विदा मांग करके आओ, बन जाने की तैयारी कर लो। बाबा जी अगले पद में लिखते हैं मुदित भये सुनी रघुवर बाणी भयहू लाभ बड़ गई बड़ी हानी। ये खट्टा मीठा स्वाद होती है, एक तरफ तो बड़ा प्रसन्नता, दूसरी तरफ आवत को अनाथ छोड़ करके जाने वाली बात जो ना वो लक्ष्मण के भीतर लग भी गया कि प्रभु जी भ्राता श्री हमारे ठीक ही कह रहे हैं और बिना कुछ विचारे सीधे मां सुमित्रा के कक्ष में लक्ष्मण भैया पहुंच जाते हैं और माता सुमित्रा जी अपने पुत्र की मलिन मुख देखा। बाबा जी का वर्णन है पूछे हो मां तू मलिन मन देखी लखण कहीं सब कथा विषे मलिन मन दुखी मन उदास मन, क्योंकि अभी अभी वर्णन करी गई कि लक्ष्मण एक तरफ तो प्रसन्न कि भ्राता श्री भाभी के साथ में बन प्रभु की सेवा करने का अवसर, लेकिन दूसरी तरफ मां को अकेला छोड़ गया, सारा अवध को अकेला छोड़ जाएगा, पिताश्री को अकेला छोड़ जाएंगे, गुरु भगवान को अकेला कर देंगे, इस बात के लिए थोड़ा सा मन में दुख है। और पता नहीं मां सुमित्रा आज्ञा दे ना दे, एक और समस्या लक्ष्मण भ्राता श्री के अंदर में चल रही है इस बात। और जैसे ही मां सुमित्रा ने सारी विवरण सुनी, सारी कथा सुनी कि कैसे प्रभु को राज्याभिषेक नहीं होगा, अब वलकल वेश में साधु वेश में वनवासी वेश में मां सीता के साथ में अब वो जा रहे हैं वन को और मैं भी उनसे आज्ञा मांगा, उन्होंने स्कृति दी है, लेकिन हे मां उन्होंने आपसे विदा लेने के लिए मुझे कहा है, अब आप अपना निर्णय दें मैया। गई समय ही सुनी वचन कठोरा गई समय सहमी सुनी वचन कठोरा मिर्गी देख दव जनु चोरा। जैसे मृग एक मिर्गिया मिर्गी जो है वो बन के आग में
चारों तरफ जब फंस जाती है तो ऐसे शाम हो जाती है। ऐसे मैया सुमित्रा सहमी रह गई। क्या हो गया है, विधाता की क्या रचना है, मैया सुमित्रा अपने मन में सोचने लगी। लेकिन एक बात उन्होंने बहुत सुंदर कही, ये बात को हमारे आप को समझने जैसी होती है, इस बात को ध्यान दें। कथा प्रवक्ता जो जो भी हमारे पुरोहित जन होते हैं, कथावाचक होते हैं, बड़े बड़े विद्वत लोग होते हैं, वो कथा जब करते हैं सुनाते हैं तो शब्द में कहीं ना कहीं उनके वो बात गांठ बांधने जैसी हो जाती है, उसको बांध लिया जाए, उसको रख लिया जाए, उसको सर्वधारण किया जाए। और ये चौपाई सब चौपाइयां तो ठीक है, लेकिन कोई कोई चौपाई जो है ना उनको समझने जैसी होती है, इसलिए ये समझने वाली चौपाई है। मैया सुमित्रा की भावना देखिएगा, उसने क्या कहा, बाबा जी का वर्णन भाव से हम सब गाएं। राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, अवध तहां जहां राम निवासु तहां ही दिवस जहां भानु प्रकाशु। चौपाई को फिर दोहराता हूं आपके बीच में, अवध तहां जहां राम निवासु तहां ही दिवस जहां भानु प्रकाशु, जो पयसिया राम बन जाही, जो पयसिया राम बन जाही, अवध तुम्हार काज कछु नाही, मंगल भावना अमंगल हारी, उमा सहित जिहा जप है पुरारी। बड़ा अद्भुत प्रसंग ये, मैं भी जब इसको बार बार पढ़ता हूं, भक्तों के बीच में प्रसंग रखता हूं, तो आत्मा से आवाज आती है कि वाह, मां हो तो सुमित्रा जैसी हो, मां हो तो ये ऐसे शब्द निकाल पाएंगी। वो एक मां मां होती है, मां का ममता बहुत जबरदस्त होती है। हमारे दुर्गा जी की आरती में गाए, पुत्र को पुत्र होते हैं पर माता कुमाता नहीं होती है ना, बड़ा प्यारा। पुत्र को पुत्र सुने हैं पर ना माता सुनी कुमाता, माता किसी की भी कुमाता नहीं होती। कु का मतलब नहीं, कु का मतलब जिसके हृदय में कठोरता हो वो कुमाता, लेकिन माता वो होती है जो अपने पुत्रों से बहुत प्यार करती है। तो क्या मैया सुमित्रा अपने पुत्र से प्रेम नहीं करती है, इसलिए आज्ञा कर दी कि जाओ वन। और इतना ही नहीं, जो पयसिया राम बन जाही तो अवध तुम्हार काज कछु नाही। जब
प्रभु राम और मैया सीता वन को जा रहे हैं तो तुम्हारा फिर यहां क्या काम का, अवध में तुम्हारा फिर कौन सी कार्य होगी। इसलिए अवध तहा जहां राम निवास, तेरे लिए तो जहां राम है वही अवध है। गुरु पितु मात बंधु सुर साई सिंह सकल प्राण की नाई, राम प्राण प्रिय जीवन जी के स्वारत रहित सखा सभी के। गुरु पिता माता भाई देवता स्वामी इन सब की प्राणों के समान सेवा करनी चाहिए। आज मैं सिडनी में मेरे बहुत ही अच्छा वक्ता है, बहुत अच्छे संत श्री राम रतन कमलदास जी, जिनको मैं संत कह करके उनकी उपाधि करता हूं क्योंकि बहुत ही प्रिय है। उन्होंने एक बहुत सुंदर फेसबुक के माध्यम से एक पोस्टर डाली जिसमें तीर्थ के विषय में लिखा कि आप तीर्थ जाएं, कोई भी तीर्थ ले लिया जाए, सकल तीर्थ का आप दर्शन कर ले, लेकिन आपने अगर माँ पिता की सेवा नहीं करी ना, वो सारे तीर्थ का फल आपका बेकार चला जाएगा। और उन्होंने पिक्चर डाली थी किसका, भक्त श्रवण जी का। श्रवण कुमार अपने दोनों अंधे माता पिता को कांवर में बिठा करके सारे तीर्थों की यात्रा कराए थे, बड़ा हृदय विदारक कथा है वो। कभी जब मौका लगेंगे तो इस भजन को हम लोग आपके बीच में रखेंगे संगीत के साथ में। बेटी अमीषा कुमार हमारी बहुत प्यारी गाती है इस भजन को, उनके साथ में होकर के इस भजन को हम आपको सुनवाएंगे। बहुत प्यारी भजन है, बहुत आनंद देता है। लेकिन माता पिता कहते हैं गुरु भाई देवता स्वामी, ये सब की जो प्राणों के समान सेवा करनी चाहिए। और क्यों, क्योंकि श्रुति हमारे ऋग्वेद का ये सूत्र है, ऋग्वेद में लिखा हुआ है इस बात को। और कहते हैं कि स्वार्थ रहित सबके मित्र जो हैं प्रभु, यह श्रुति ऋग्वेद की प्रसिद्ध है। इसमें यह सिद्ध है कि जीव और ईश परस्पर दोनों सखा हैं। श्री गीता का प्रवचन भी यही है। बार बार इस बात को गाई जाती है कि आत्मा परमात्मा का अंश है, क्योंकि वो मरने वाला तो है नहीं। आत्मा ना तो कभी मरता है ना कोई जन्म लेता है, वो तो शाश्वत है, वो अमर है, वो अजर है और पुरातन है, वो सनातन है। और जो सनातन है वही अमर है और वही परमात्मा है, क्योंकि परमात्मा सनातन है, परमात्मा का कहीं जन्म नहीं हुआ। ये तो हम जन्म दिवस मनाते हैं परमात्मा का, रामनवमी हो, कृष्ण जन्माष्टमी हो, ये सब मनाते, लेकिन प्रभु तो अजन्मा है। और जो अजन्मा है फिर उसका मरण तो होगा नहीं। इसलिए नैनम छिदंति शास्त्राणि नैनम दहेति पावका न चैनम कले दयन्तो यापो न शोष्यति मारुता। बार बार इसको बोलने से आनंद इस बात का आता कि बार बार हमें कोई ऐसी चीज हो जो बार बार रटने से हमारे अंदर में वो उसकी भावना जो है वो हल जाती है, वो घुस जाती है, वो घर बना लेती है, ताकि कभी भी हम बैठे चिंतन करेंगे तो जो हम चिंतन करेंगे उस पर हम आचरण करेंगे, क्योंकि विचार हमारा
जब सही होगा, विचार हमारे योग्यता पर आएगी, तो हमारा जीवन भी उसी मार्ग पर चलेगा, क्योंकि हम करेंगे वही जो हमारा मन में विचार चलता है। और विचार यही है कि एक न एक दिन ये आत्मा परमात्मा में विलीन होगा। 84 लाख योनि का भ्रमण करता हुआ यह जीव एक न एक दिन, 84 लाख बहुत होते हैं, बच्चे से मैं ज्यादा करके पूछता रहता हूं 84 का मतलब क्या है, 84 लाख का मतलब है 100,000, 84,000 इज इक्वल टू 8.4 मिलियन। इतने सारे योनियों से गुजर करके तब यह मानव शरीर प्राप्त होता है। और यह मानव शरीर एक ऐसा शरीर है जिसके माध्यम से प्यारे श्रोताओं हम प्रभु तक पहुंच सकते हैं। हमारी मुक्ति का साधन अगर है तो यह परमात्मा का ये साधना, परमात्मा का भजन, परमात्मा का जाएंगे साथ में तो यही जाएंगे, और कुछ नहीं जाने वाला। अब सौंप दिया इस जीवन को सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। बड़ा सुंदर ये हमारे सामाजिक भजन है, बहुत प्यारा भजन है। मुझे बहुत इस सामाजिक भजन ना बोले इसको, इसको मानव भजन बोले। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में। आप ही हार हो, आप ही जीतो परमात्मा। मैं जीतने वालों का जीत हूं, मैं हारने वालों का हार हूं। विभूति योग में 10वां अध्याय में श्रीमद् भागवत गीता का वर्णन श्री भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा, तो अंत में क्या लिखा हुआ, रामायण की चौपाई उत्तरकांड में लिखा है, ईश्वर ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर का अंश, जीव अविनाशी, ना कभी मरने वाला, ना कभी पैदा होने वाला, ना अग्नि जला सकती है, ना वायु सुखा सकती है, ना कोई जल इसको भिगो सकता है, ना कोई शस्त्र इसको काट सकता है, ना कोई अस्त्र इसको छिद्र कर सकता है। यही जीव परमात्मा का अंश है, और यही जीव एक ना एक दिन परमात्मा में मिलेगी। और ये कैसे मिलेगी, जब हम गुरु पिता माता भाई देवता स्वामी इन सबको अपने प्राणों से ज्यादा इनको सेवा करेंगे। तो श्री गोसाई तुलसीदास जी का वर्णन कि प्रभु राम बन जाने की तैयारी है, लक्ष्मण मां की आज्ञा तो मिल गया है, और जब वहां से निकले हैं ना तो थोड़ा वेग से निकले हैं, जल्दी से निकले हैं, क्यों इसका वर्णन थोड़ा देर में करते हैं। लेकिन चले, एक छंद आया है बाबा जी का, बड़ा प्रसिद्ध छंद है यह, वो छंद उपदेश यहाँ जी तात तुम्हारे राम सिया सुख पावहीं, पितु मात प्रिय परिवारो पूरा सुख सुरति बना
विषय रावही तुलसी प्रभु सिख दे तुलसी प्रभु सिख देगी आयुषी दीन पुनि आशीष दही रति हो अविरला अमलसिया रघुवीर पद नित नित नहीं। इस छंद का जो भावार्थ है मैं आपको पढ़ करके सुनाता हूं। हे पुत्र रघुनाथ जी को और जानकी जी को जिस प्रकार से कोई दुख ना हो वही कार्य करना बेटा, यही मेरा उपदेश आपके प्रति है। और माता पिता प्रिया परिवार अयोध्या के सुख की सुध भी सब वन में विसरा देना बेटा। और तुलसीदास जी का वर्णन, तुलसी जी कहते हैं प्रभु सी कर दे आयुष दीन पुनि आशीष दई रति हो अविरला अमल सिय रघुवीर पद नित नित नहीं। ये गंभीरता के साथ में विचार करें, आप बन जाएं। श्री जानकी जी और रघुनाथ जी के चरण कमल में तुम्हारी उज्जवल नित्य नई प्रीति हो। एक दिन मेहमान आए, हम उनको भोजन से तृप्त कर दें, दूसरी रोज थोड़ा सा कम हो जाएगा, पहले भी इसकी चर्चा हुई है, लेकिन सेवा भाव में राम जी के प्रति और सीता के प्रति हे बेटा हे पुत्र नित नया। और जब 14 वर्ष है तो 14 वर्ष में एक एक दिन आप एक नया कार्य करें जिससे आपके जो भाभी है, आपकी भाभी नहीं रही, आपकी माता हुई। और बड़े भाई श्री राम जी आपके बड़े भाई नहीं बल्कि आपके पुत्र हुए, ऐसा संदेश दे करके और बार बार कई प्रकार से मां सुमित्रा श्री लक्ष्मण को समझाएं। और लक्ष्मण जब निकले हैं मां से आशीर्वाद लेकर के तो मन में एक ऐसा भाव कि मां ने आशीर्वाद तो दिया है, मां ने अनुमति तो दी है, लेकिन मैं ये महल के दरवाजे से निकलूं, एक कक्ष के दरवाजे से निकलूं और मां अपने वाणी बदल दे, अपना विचार बदल दे, तो फिर मैं कहीं का नहीं रह जाऊंगा। इसलिए वहां से निकले हैं प्रभु के चरण में जाने के लिए। तो आगे की जो कथा होती है ये बड़ी हृदय विदारक होती है। जो भगवती मैया जनक जननी जो मिथिलापुर में, उनके पैर इतने कोमल हैं ना कि सखियां उनके मार्ग में फूल बरसा देती थी तो सीता मैया चलती थी। और आज वही मैया सीता वन गमन के लिए तैयार है, लेकिन उससे पूर्व देखे बाबा जी का वर्णन है कि जब मुनि बसन राम तनु धारे, मुनि वेश में जब श्री भगवान राम जी अपने शरीर को परिवर्तित किया तो नर नारी लखी भय दुखारे। जितने अवधपुर के नर और नारी सब बहुत दुखी हो गए।
पहिरे लखना वसन तनु माही सीय गई लखी सहमी ताही। थोड़ी देर में लक्ष्मण भैया भी बलकल भेष में आ जाता है और अपने उस वस्त्र को जब धारण करता है तो क्या होता है सिया बहुत सकुचा जाती है, सिया सकुचा जाती है और अपने वो बलकल वस्त्र लेकर के अपने हाथ में और आंखों से उनके आंसू बरसने लगते हैं। बाबा लिख जी हाथ लिए बलकल सुकुमारी थाड़ी भई लाज उर भारी। शर्मा गई, लज्जा से पीड़ित हो गई भगवती मैया सीता। क्यों? क्योंकि वो राज आभूषण को त्यागेगी इस कारण से? नहीं श्रोता, प्यारे मित्रों बंधुजनों मेरे विद्वत समाज, आप तो स्वयं विद्वत हो, ये बात आप पर नहीं, लेकिन जो जो इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं कि क्यों मां सीता वो वलकल वेश, उस साध्वी वेश के पोशाक को लेकर के हाथ में और जब रोने शुरू करती हैं तो इसका कारण बताया गया है। कारण ये नहीं कि राज आभूषण को छोड़ रही हैं। पहरी न जानत मनया कुलानी, कभी पहनी नहीं है ना ये, ऐसे साध्वी वेश मैया सीता कभी धारण ही नहीं करी। वो जनक की लाडली थी इसलिए सदैव उनके आभूषण जो थे वो दिव्य थे, उनके जो 16 श्रृंगार थी वो बहुत ही आधुनिक थी, इसलिए आज वो बलकल वेश को कैसे पहना जाए ये नहीं जानती है। और बाबा जी का वर्णन है कि राम और लखी कहां मृदुबानी, राम की ओर देख करके और तब मैया सीता ने बात कही कि मुनि जन के विधि बांधत चेरा। प्रभु से कहते कि मेनु लोग मुनि लोग साध्वी नारी ये वस्त्र कैसे बांधते हैं। सो नहीं मैं जानत रघुवीर, अस कहीं चले वो नयन बही बारी, सुनी प्रभु उठे धीर धरि भारे। बड़ा दिल को विदारने वाली ये प्रसंग है। इसको कैसे पहनते हैं मुझे मालूम नहीं हे रघुवीर। जैसे इस बात को कहा है बाबा लिखते हैं कि अस कही चले वो नयन बही बारी, आंखों से अश्रुओं की धारा बहने लगी मैया सीता के। प्रभु ने जब सुना इस वाक्य को तो सुनी प्रभु उठे धीर धरी भारी। और बाबा जी का वर्णन है वाल्मीकि रामायण में, इसका मैंने बहुत श्लोक के माध्यम से भी इनका अध्ययन जब किया ना तो लोग कभी कभी वो धोबी वाला प्रसंग कहते हैं कि एक धोबी की बात सुन करके प्रभु ने
माँ सीता को वन में भेज दिया। ये तो वही लोग बोलेंगे ना जिनके बुद्धि मरी गई हो, जो अंदर की जो आध्यात्मिक विषय है उनको देख नहीं पा रहे, उनको जान नहीं पाए, उनमें वो तत्व ज्ञान जागा नहीं है, वो बेकार के बात करने वाले लोग हैं। इनसे मैं हाथ जोड़ करके बहुत दूर रहता हूं, क्योंकि कथा तो सिर्फ आनंद देने के लिए कही जाती है और सुनी जाती है। भगवान की लीला का कौन वर्णन कर पाएगा भैया? और देखे तो निज कर सो पही रावण लागे, राम जी पूरा अवधपुर के नारी और नर जितने थे वहां गुरु वशिष्ठ भी थे, सबके सामने ही लिखा है निज कर सो पही रावण लागे, लखी नर नारी महा दुख पागे। राम जी तो कभी सीता जी के साड़ी वगैरह तो नहीं पहनाए होंगे ना, लेकिन अपना पलकल तो पहन लिया है, अपना तो भेष जानते थे। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी भगवान अब होंगे कि वन में जाएंगे तो यहां आज राजकुमार श्री राजा राम जी जो होने वाले थे ना, अपने पत्नी को वलकल भेष पहनाने की प्रयास कर रहे हैं, मुनि भेष धारण करने का प्रयास कर रहे हैं। तब वशिष्ठ गुरु जी भगवान उठ करके और अपना निर्णय देते हैं कि नहीं, रुक जाओ राम, सीता वलकल भेष में नहीं जाएगी, ये आपके साथ में महलों के भेष में जाएगी। तो यहां जो लिखा है, तब श्री रामचंद्र भगवान अपने हाथों से वस्त्र पहनाने लगे और यह देख करके सब नर नारी महादुखी हुए और तब वशिष्ठ जी ने उठ करके मना किया कि जानकी जी यह वस्त्र धारण नहीं करेंगी और गुरु का आज्ञा सर्वधारण। बाबा लिखते हैं अपनी चौपा दोहा में, सुंदर भूषण वसन युत, सुंदर भूषण वसन युत, सिया चलही प्रभु साथ, सुनि वशिष्ठ के वचन तब तजे वसन रघुनाथ, सियावर रामचंद्र की जय। रामानंद जी, रामानंद सागर की बनाई हुई श्री राम कथा, इसमें कुछ और देखें, बीआर चोपड़ा जो बनाई है उसमें कुछ और देखें, अपने अपने मत अनुसार हमारे कथाकारों को लोग भी इस भावप्रद कथा को गाते हैं कहते हैं, लेकिन चौपाइयों में बड़ी सिद्ध लिखी हुई है। ये तुलसी कृत रामायण के माध्यम से मैं बोल रहा हूं कि सुनी वशिष्ठ के वचन तब तजे वसन रघुनाथ, लेकिन तब वशिष्ठ उठी कियो निवारण, सिया नहीं करहिया पट धारण, सुंदर भूषण वसन युत, सिया चलही प्रभु साथ। अब निवारण स्पष्टीकरण भी हो गया कि सीता जी महलों के भेष में श्री भगवान के साथ में जाने वाली है, यही कथा अब तैयारी हो चुकी है, सबसे आज्ञा लेकर के। और श्री सुमंत जी सचिव जो भगवान श्री रामचंद्र जी के, उनको तात कह करके पुकारते हैं क्योंकि वे पिता के मित्र हैं। एक सारथी जो रथ का होता है ना, वो राजा का मित्र भी होता है, राजा का मित्र होता है, इसलिए तो श्रीमद् भागवत गीता में श्री भगवान जी का वर्णन कि संजय को वेदव्यास मुनि महाराज ने दिव्य दृष्टि दी, और संजय कौन? राजा
दृष्ट राष्ट्र के सारथी थे, और दृष्ट राष्ट्र महाराज तो अंधे थे, इसलिए उनका चलना उठना बैठना घर महल के बाहर वो संजय के हाथ में था। इसलिए संजय ने अपना जो निर्णय अंत में दिया है ना, श्रीमद् भागवत गीता चैप्टर 18 वर्स नंबर 78, यत्र योगेश्वर कृष्णः यत्र पार्थोर धनुर्धरा तत्र श्री विजय रभूति ध्रुव नीतिर मतिर मम। ये मेरा मत है राजन, जहां गांडी धारु अर्जुन है और जहां पर योगेश्वर श्री कृष्ण है वहां श्री विजय है, वहां जीत होगी, वहां अचीवमेंट होगी, वहां सक्सेस होगा, तुम्हारे पुत्र हारे जाएंगे, पांडवों का जीत होगा, ये मेरा मत है। ऐसा संजय का, देखे इतना करीब होते हैं राजन का। आज सुमंत जो थे वो बहुत करीब है राजा दशरथ का, और आज्ञा यही है कि हे सुमंत रथ सजाओ, रथ सजा करके और राम सीता लक्ष्मण को रथ में बिठा करके वन में 2-4 दिन घुमा करके वापस ले आना। अगर राम ना आवे ना तो कोई बात नहीं, हे सुमंत कम से कम सीता बहू रानी को वापस ले आना। अब ये होंगे कि आप तो सब जानते हैं कथा को, कथा का आनंद लीजिएगा अगले सप्ताह। बाबा लिखते हैं आज की अंतिम दोहा में, आज की कथा का विराम इस दोहा पर जा रही है। लोग सब मूर्छित अवस्था में है, राम जी तैयारी कर लिए बन जाने को, लक्ष्मण साथ में और मां सीता। सजीवन साज समाज सब, सजीवन साज समाज सब, बनिताओ बंधु समेत, बंदी विप्र गुरु चरण प्रभु, चले करी सब ही अचेत, सियावर राम चंद्र भगवान के जय। और सबको बहुत प्रकार से प्रभु समझा करके, गुरुओं के चरण कमल नवा करके और हर्ष सिर नवा करके गणपति गौरी गिरीश को मना करके और आशीष पा करके, उनका आशीर्वाद पा करके वन गमन के लिए तैयारी कर ली है भगवान श्री रामचंद्र ने। गणपति भगवान की चतुर्थी शनिवार को थी और 10 दिनों तक श्री गणेश जी का आह्वान होता है, सुमरण होता है, लोग अपने अपने श्रद्धा के अनुकूल काम करते हैं, जो मन में विकारे हैं वो घर में रख करके गणपति भगवान का पूजन करते हुए फिर अंत में उनका विसर्जन करते हैं, ये उनकी मान्यता है, जो करते हैं उनकी मान्यता है। मैं इस बात से थोड़ा सा वंचित हूँ, मैं इस पर कभी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मेरे गणपति भगवान सदैव मेरे साथ में रहते हैं, मैं मेरे मन कभी गवाही नहीं दी कि प्रभु को हम विसर्जित करें। इसलिए गजाननं भूत गणादि सेवितं कपित जंभू फल चारु भक्षणं मासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादु पंकजं महं। शुभकश्चाय कतंश्च कपिलो गजकर्ण कालंबोधरस्य विकट विघ्न नाशो विनायको धूमकेतु गणाध्यक्षो भालु चंद्रो गजाननः। गौरीपुत्र भगवान गणपति जी सबको आशीर्वाद दे, जो जो भी विचारधारा से अब गणपति भगवान का ये पावन दिवस, ये पावन समारोह जो मना रहे हैं, कल्याण करे गणपति भगवान, आपकी हर एक बाधा विघ्न को दूर कर दे, और खास करके दुनिया भर में फैली हुई महामारी को बाबा जी गणपति हर ले, माँ पार्वती इनका हर ले और शंकर भगवान जी हर ले, सकल शिव परिवार कार्तिकेय स्वामी नंदी देव
और नाग देवता तथा हम लोग जितने भी लिंग आदि हैं उन सब लिंग देवताओं को प्रणाम करके और सकल शिव परिवार से आशीर्वाद देंगे कि महामारी जल्दी से जल्दी दूर हो जाए। और आज राम जी, गणपति भगवान, गिरजा जी और शंकर जी को मना करके वन गमन की तैयारी कर लिए हैं। बोलो श्री मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र भगवान के जय। पुनः एक बार मैं अपनी तरफ से रेडियो रिश्ते के शिवम सिद्धांत लाल आपको और समस्त जितने भी रेडियो रिश्ते से जुड़े हुए हैं, जितने भी हमारे लोग बहुत मात्रा में पिछले सप्ताह आप लोगों ने समर्थन किया इस कार्यक्रम को, इस सप्ताह भी आपका आशीर्वाद मिले यही मनोकामना लेकर के आपको धन्यवाद करता हूँ। आप यही आशा रख करके कि आप आज भी मेरे साथ दिए होंगे, हमारे साथ दिए होंगे, रेडियो रिश्ता का साथ दिए होंगे, इसलिए रेडियो रिश्ता फलता फूलता रहे यही मनोकामना है, यही आशीर्वाद इस मंच के माध्यम से और मनकाओ हाकोट टाइटेनियम ओकलैंड न्यूजीलैंड के श्री विनोद राणिका जी आपका भी अभिवादन और धन्यवाद। और साथ साथ में हमारे मिथिलेश प्रसाद जी, उनकी बहुत कड़ी मेहनत जा रही है, मैं एक बात में बताऊंगा आपको, और उनका भी मैं साथ में लेकर के और सुमित सतीश्वर भैया हमारे रिकॉर्डिंग इंजीनियर जो हैं उनको भी बहुत बहुत अभिवादन प्रोग्राम के समर्थन करने के लिए आप सबको बहुत बहुत विशेष रूप से धन्यवाद। चले हम अपने हाथ जोड़ करके क्षमा प्राप्ति करें परमात्मा से। हे परमात्मन, जहाँ जहाँ भी दुख तकलीफ हो सबका निवारण करें, कोई भूल चूक रहे हो परमात्मा उनको क्षमादान करें। ओम मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दनम यत पूजितम मया देवम परिपूर्णम तदास्तमे। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम् न्यायेन मार्गेण मही महिषा गोब्राह्मणभ्यो शुभमस्तु नित्यं लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिता दुःखभाग् भवेत। ओम सहना अवतु सहना भुनक्तु सावीर्यं करवावहे तेजस्विनांवदीतमस्तु मा विद्विदिशावहे कायान वाचा न मनसेन इन्द्रियार्वा बुद्ध्यात्मना प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै श्रीनारायणाय ते समर्पयामि। ओमस्तु मा सद्गमयां तमसो मा ज्योतिर्गमयां मृत्योर्मा अमृतं गमया। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमदक्षते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव वशिष्यते। हरे ओम शांतिः शांतिः शांतिः। प्रभु सब पर कृपा बरसाएं। पुनः एक बार आपसे विदा ले रहा हूं। अगले हफ्ता ठीक 7 बजे रेडियो रिश्ते के माध्यम से आपके बीच में उपस्थित हो जाऊंगा।